A very good morning, dear students. Today's topic is power MOSFET. What is power MOSFET? So basically power MOSFET is a type of MOSFET. ठीक है, क्या है? Type of metal oxide semiconductor field effect transistor. ठीक है, MOSFET के बारे में हम लोग already जानते हैं. तो जो power MOSFET है वो भी एक MOSFET का type होता है, जिसको हम लोग mainly क्यों design करते हैं? To handle high level ऑफ पावर, टू हैंडल हाई लेवल ऑफ पावर. ठीक है, जो नॉर्मल मॉस्फेट होता है वो हाई लेवल ऑफ पावर जो होता है उसको हैंडल नहीं कर पाते, और जो पावर मॉस्फेट होता है उसका ये कैपेसिटी होता है कि वो हैंडल कर सके हाई लेवल ऑफ पावर को. ठीक है, दिस एग्जिबिट हाई स्विचिंग स्पीड एंड कैन वर्क मच बेटर इन कंपैरिजन विथ नॉर्मल मॉस्फेट इन द केस ऑफ लो वोल्टेज लेवल. अगर हम लो वोल्टेज लेवल का भी बात करें तो इस केस पे भी जो मेरा पावर मॉस्फेट होता है उसका स्विचिंग स्पीड मच मोर बेटर देन होता है नॉर्मल मॉस्फेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, हाउएवर इट्स ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनी जनरल मॉस्फेट. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बिल्कुल सेम होता है एज कंपैरिजन टू कोई भी हम लोग अदर मॉस्फेट को ले सकते हैं. ठीक है, द पावर मॉस्फेट इज थ्री टर्मिनल डिवाइस. क्या क्या होता है? गेट, ड्रेन एंड सोर्स एंड फोर लेयर. ठीक है, फोर लेयर क्या है? एन प्लस पी, एन माइनस, एन प्लस लेयर. ठीक है, फोर लेयर डिवाइस है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, और ये यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस है. यूनिपोलर मीन्स ओनली मेजोरिटी कैरियर्स इन कंडक्शन. ठीक है, जो मेजोरिटीज कैरियर्स होंगे वो ही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दिस डिवाइस इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग एट हाई फ्रिक्वेंसी अप टू 100 kHz. मीन्स 100 kHz इसका स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होता है. ठीक है, विच इज़ मच हायर देन द पावर बीजेटी. पावर बीजेटी से ये बहुत ज़्यादा ही हाई होता है. इट इज़ गुड करेंट कैरिंग कैपेसिटी एंड हायर ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी. ठीक है, जब ये ऑन स्टेट पे होता है तो इस पर जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, और जब ये ऑफ स्टेट में रहता है तो इसका जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत हायर होती है. ठीक है, बेसिकली जो मेरा पावर मॉस्फेट है वो कौन सा डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ पावर मॉस्फेट. द मॉस्फेट इज़ अ मेजोरिटी कैरियर डिवाइस. ये मेजोरिटी कैरियर्स डिवाइस है. मेजोरिटी कैरियर्स मीन्स अगर पी टाइप मेरा मॉस्फेट है तो उस पर जो कंडक्शन ऑफ करंट होगा वो ड्यू टू होल्स के कारण होगा. अगर एन टाइप एन चैनल मॉस्फेट होगा तो उस पर कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, मेजोरिटी कैरियर्स का मतलब ये होता है. एंड एज द मेजोरिटी कैरियर हैव नो रिकम्बिनेशन डीले. ठीक है, देखिए जो मेजोरिटी कैरियर्स हो, जहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स होता है वहाँ पे जो रिकम्बिनेशन जो प्रोसेस होता है उस पर यहाँ पे कोई भी डीले नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मॉस्फेट होता है वो एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ और स्विचिंग टाइम होता है. ठीक है, उस पर रिकम्बिनेशन प्रोसेस नहीं होता, वहाँ डीले नहीं होता है. रिकम्बिनेशन मीन्स होता है कि एक जो होल्स होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से जाके रिकम्बाइन होते हैं, ईएच पेयर बनाते हैं और वो न्यूट्रलाइज होते हैं, तो उस चीज़ को रिकम्बिनेशन बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो इस जगह पे वहाँ पे कोई डिले नहीं होता है, फटाफट यहाँ पे वर्क चलता है, जिसके चलते मेरा जो स्विचिंग टाइम होता है, बैंडविड्थ होता है, वो सब मेरा बहुत ही हाई हो जाता है. ठीक है, द गेट इज़ इलेक्ट्रिकली आइसोलेट फ्रॉम द सोर्स. जो गेट होता है वो सोर्स से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है, मीन्स अलग किया गया इलेक्ट्रिकली. ठीक है, एंड व्हाइल दिस प्रोवाइड मॉस्फेट विथ इट्स हाई इनपुट इम्पिडेंस. इसके वजह से जो मेरा मॉस्फेट होता है उसका हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है. इट ऑल्सो फॉर्म अ गुड कैपेसिटर. देखिए, अब जो गेट जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देता है सोर्स से, उसके चलते वो एक कैपेसिटर फॉर्म करता है. ठीक है, जैसे कि हमको याद होगा, जैसे कि ये क्या होता है, यहाँ ड्रेन होता है, यहाँ सोर्स होता है और यहाँ पर गेट होता है. ठीक है, अगर हम इस तरह से बात करें तो इस तरह का डिज़ाइन होता है. तो ये जो गेट होता है ना, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है. तो ये जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है वो ड्यू टू किसके चलते होता है? सिलिकन ऑक्साइड लेयर रहता है, जिसके चलते ये आइसोलेट होता है. ये बेसिकली वर्क करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो वो यही बता रहा है कि ये कैपेसिटर की तरह भी वर्क करता है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. मॉस्फेट डू नॉट हैव सेकेंडरी ब्रेकडाउन एरिया. मॉस्फेट का सेकेंडरी ब्रेकडाउन एरिया नहीं होता है. जैसे कि पावर बीजेटी में मेरा सेकेंडरी ब्रेकडाउन हो रहा था,
ठीक है, तो इस केस पर सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है. देयर सोर्स टू ड्रेन रेजिस्टेंस हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट सो दे नीड टू बी सेल्फ प्रोटेक्टिव. ठीक है, इस देखिए BJT पे क्या हो रहा था, उसका जो डिवाइस था वो मेरा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट पे था. मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा था वैसे वैसे जो मेरा मीन्स टेम्परेचर रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज होता है. फिर जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन वो बहुत हाई हो जाता है जिसके चलते एक हॉट स्पॉट हो जाता है, उसी के चलते मेरा सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है. बट इस केस पे क्या होता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जिसकी वजह से मेरा जो डिवाइस होता है वो सेल्फ प्रोटेक्टिव होता है. ठीक है, इट हैज़ वेरी लो ऑन रेजिस्टेंस एंड नो जंक्शन वोल्टेज ड्रॉप वैन फॉरवर्ड बाइस. जब ये फॉरवर्ड बाइस पर रहता है तो ये इसका जो ऑन रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है जिसके चलते वोल्टेज ड्रॉप जो होता है जंक्शन के अक्रॉस वो बहुत ही कम हो जाता है. दिस फीचर्स मेक्स MOSFET एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव पावर सप्लाई स्विचिंग डिवाइस. इसलिए जो मेरा MOSFET होता है वो एक बहुत ही अच्छा पावर स्विचिंग जो डिवाइस होता है. ठीक है, MOSFET मेरा बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई स्विचिंग डिवाइस की तरह होता है. ठीक है, नाउ कम टू द सिंबल ऑफ पावर MOSFET. द सिंबल ऑफ एन चैनल MOSFET एंड पी चैनल MOSFET इज गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो मेरा MOSFET गिवन है. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एरो ऑन द हेड दैट गोज टू द बॉडी रीजन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो. ठीक है, जो मेरा ये जो डायरेक्शन है वो मेरा करेंट फ्लो को बता रहा है. और ये जो डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन से हम लोग क्या बताते हैं कि अगर ये डायरेक्शन जो एरो का हेड है अगर वो इनवर्ड होगा तो वो क्या होगा एन चैनल, और आउटवर्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा पी चैनल हो जाएगा. ठीक है, थ्री टर्मिनल डिवाइस से गेट सोर्स एंड ड्रेन. ठीक है, एज दिस सिंबल फॉर एन चैनल MOSFET द एरो इज इनवर्ड. ठीक है, एन चैनल के लिए एरो मेरा इनवर्ड होगा और पी चैनल के लिए एरो मेरा आउटवर्ड होगा. ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन भी होगा वो इनवर्ड होगा मेरा एन चैनल के लिए और आउटवर्ड होगा फॉर पी चैनल के लिए. ठीक है, तो ये मेरा सिंबल हो गया एनहांसमेंट टाइप MOSFET. ठीक है, एनहांसमेंट टाइप MOSFET. ठीक है, MOSFET भी मेरा दो तरह होता है, एक एनहांसमेंट टाइप MOSFET और डिप्लीशन टाइप MOSFET. तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनहांसमेंट टाइप MOSFET देखेंगे. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया पावर MOSFET का. ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो दो MOSFET है यहाँ पे, टू MOSFET यूज़ हुआ. एक MOSFET को बनाने के लिए थाउजेंड ऑफ MOSFET होते हैं एक सिलिकन चिप पे. तो ठीक है, और वो जितने भी MOSFET होते हैं वो मेरा पैरेलली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे मेरा दो MOSFET हो गया. ठीक है, इस दो MOSFET के बीच में मेरा ये मेरा गेट टर्मिनल है जो कि मेरा इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है फ्रॉम द सोर्स से. ठीक है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है. कैसे है, बाई यूजिंग SiO2 लेयर. ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर. और ये मेरा सोर्स टर्मिनल है. ठीक है, ये मेरा सोर्स टर्मिनल है. ठीक है, सोर्स टर्मिनल. और ये मेरा ड्रेन टर्मिनल है. ठीक है, ये मेरा ड्रेन टर्मिनल है. अब ये देखिए, ये जो मेरा N+ रीजन है वो मेरा हैविली डोप्ड है. ये जो P रीजन है ये मेरा बॉडी है. ठीक है, और ये N- लेयर है वो मेरा ड्रिफ्ट रीजन है. N+ लेयर मेरा हैविली डोप्ड ड्रेन रीजन है. ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है, द पावर MOSFET हैज़ वर्टिकली ओरिएंटेड फोर लेयर स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिंग पी एंड एन टाइप N+ पी N- N+ लेयर. ठीक है, अगर हम पी अगर हम ये एन टाइप ठीक है ये एन टाइप अगर हम लेंगे तो मेरा ये हो जाएगा, पी टाइप लेंगे तो जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा लेयर. ठीक है, अगर हम पी टाइप लेयर लेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, एन टाइप लेंगे तो अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट रहेगा. ठीक है, द पी टाइप मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ MOSFET. ठीक है, जो पी टाइप लेयर है वो मेरा क्या है, बॉडी ऑफ MOSFET है. ठीक है, इन दिस रीजन द चैनल इज फॉर्म्ड बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन. ठीक है, इस रीजन पे जो मेरा चैनल होता है ड्रेन और सोर्स के बीच में फॉर्म होता है. ठीक है, द एन लेयर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट रीजन. ठीक है, ये तो क्लियर है, एन लेयर मेरा क्या है, ये मेरा लेयर जो है ड्रिफ्ट रीजन है विच डिटरमाइन द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डिवाइस. ठीक है, ये जो मेरा N- लेयर होता है वो हाई रेजिस्टेंस एरिया होता है. ठीक है, और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है
वो ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। दिस रीज़न इज़ प्रेजेंट ओनली इन मॉसफेट, नॉट इन द सिंगल लेवल मॉसफेट, ठीक है। ये जो रीज़न है मेरा नॉर्मल मॉसफेट पे फॉर्म नहीं होता है। द गेट टर्मिनल इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, ठीक है, कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर से ये आइसोलेट रहता है। व्हेन द पॉजिटिव गेट वोल्टेज इज अप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, जब हम लोग गेट वोल्टेज पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, द एन टाइप चैनल इज फॉर्म्ड बिटवीन सोर्स एंड सोर्स टू ड्रेन, ठीक है। जब हम लोग गेट्स अप्लाई करेंगे तो एन टाइप लेयर चैनल मेरा फॉर्म्ड होगा, ठीक है, ड्रेन से सोर्स के बीच में, मीन्स ड्रेन टू सोर्स के बीच में एन चैनल फॉर्म्ड होगा, ठीक है, जिसके चलते मेरा करंट फ्लो करता है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर देर इज ए पैरासिटिक एनपीएन बीजेटी बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मेरा क्या है, मेरा एक पैरासिटिक बीजेटिक। पैरासिटिक बीजेटिक मीन्स क्या होता है, सबसे पहली बात पैरासिटिक मीन्स क्या होता है, परिजीवी, ठीक है। परिजीवी मीन्स होता है ऐसा डिवाइस जो कि अपने नीड के लिए दूसरे पर डिपेंड होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीजेटी है वो मेरा अपने मीन्स उस खुद के लिए वो किस पे डिपेंड हो रहा है, मॉसफेट पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग पैरासिटिक बीजेटी बोलते हैं। तो हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि पैरासिटिक बीजेटी मेरा टर्न ऑन ना हो जाए, अगर ये टर्न ऑन हो जाएगा तो डिवाइस मेरा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोशिश किया जाता है कि हमेशा ये ऑफ रहे। तो कैसे होता है, जब हम लोग ड्रेन और सोर्स को जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है, मीन्स इसको हम लोग करने के लिए जो मेरा बॉडी है, ये जो बॉडी है गिवन, ये जो बॉडी रहेगा इसको अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कभी भी टर्न ऑन नहीं होता है। टू अवॉइड द बीजेटी टर्न ऑन द बॉडी रीजन इज शॉर्ट सर्किटेड टू सोर्स रीजन बाय ओवरलैपिंग द सोर्स मेटलाइजेशन ऑन द पी टाइप बॉडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट किया गया बॉडी शॉर्ट सर्किट, ठीक है, दोनों को, ताकि ये मेरा कभी ऑन ना हो। अब ये जो पैरासिटिक बीजेटी है कैसे मेरा, यहाँ देखिए ये क्या है, पी एन एन, ठीक है, यहाँ पे देखिए पीएनपी रीजन है, ठीक है, या एनपीएन बीजेटी फॉर्म्ड हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होता है ना, जब भी मेरा एनपीएन आ जाएगा तो ये एक बीजेटी फॉर्म करेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक पैरासिटिक बीजेटी फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो एक डायोड फॉर्म हुआ है, ठीक है, इंटरनल डायोड, ठीक है। अब ये डायोड का भी क्या काम होता है, ये मेरा यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट इन द पैरासिटिक डायोड भी यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। दिस इंटरनल डायोड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हाफ एंड द फुल कन्वर्टर सर्किट। ये मेरा कहाँ पे यूज़ होता है, हाफ एंड द फुल कन्वर्टर सर्किट पे यूज़ होता है, ठीक है। ये ओवरऑल ये में कंस्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ पावर मॉसफेट के बारे में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट। इट इज़ द ग्राफ ऑफ ड्रेन आईडी, ड्रेन करंट आईडी वर्सेस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वीडीएस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस, ठीक है। इसका थ्री रीजन्स होता है, सेचुरेशन, कट ऑफ एंड ओमिक रीजन, ठीक है। इन द एप्लीकेशन वेयर मॉसफेट यूज एज अ स्विच द डिवाइस वर्क इन द कट ऑफ रीजन एंड ओमिक रीजन व्हेन टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जब मेरा डिवाइस टर्न ऑफ होगा तो वो कट ऑफ रीजन पे होगा, और जब टर्न ऑन रहेगा तो वो ओमिक रीजन में रहेगा, ठीक है। द ऑपरेशन इन सेचुरेशन रीजन इज अवॉइडेड रिड्यूसिंग द पावर डिसिपेशन इन द ऑन स्टेट, ठीक है। जो सेचुरेशन रीजन पे जो ऑपरेशन होता है उसको ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उस रीजन पे मेरा जो पावर मॉसफेट होता है वो डिसिपेट करता है पावर, ठीक है। व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रहेगा, द मॉसफेट इज इन ऑफ स्टेट और कट ऑफ रीजन। इस रीजन पे मेरा देखिए, जब मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रहेगा वोल्टेज, गेट वोल्टेज, तो मेरा जो मॉसफेट रहेगा वो कट ऑफ स्टेट में रहेगा, कट ऑफ रीजन में। टू अवॉइड ब्रेकडाउन द ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मच बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो जो पावर मॉसफेट होता है उस पर मेरा एवलांची ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस करता है, तो और जो मेरा पावर बीजेटी होता है उस पर मेरा दो दो ब्रेकडाउन मेरा होता है, एक प्राइमरी ब्रेकडाउन और एक सेकेंडरी ब्रेकडाउन। बट इस केस में सिर्फ मेरा प्राइमरी ब्रेकडाउन होता है, जो कि ड्यू टू एवलांची इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए हम मेरा जो ब्रेकडाउन, जो ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो मेरा ग्रेटर होना चाहिए अप्लाइड वोल्टेज से हमेशा, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, देखिए ये क्या है मेरा VDS और ये मेरा
आईडी ड्रेन करेंट, ठीक है। अब जैसे जैसे मींस हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आईजी के मींस वीजीएस एक पुट करेंगे और मेरा उसको हम ड्रेन को देखिए एक पर्टिकुलर वीजीएस का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू देंगे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू देंगे और वीडीएस को इंक्रीज़ करेंगे, वीडीएस को इंक्रीज़ करेंगे तो मेरा आईडी भी इंक्रीज़ करेगा, उसी का ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा ये जो रीज़न है ये मेरा कौन सा रीज़न है, ओमिक रीज़न, ओमिक रीज़न, ये मेरा सेचुरेशन रीज़न और ये कट ऑफ रीज़न है, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा ब्रेकडाउन रीज़न है, ठीक है। अब जो कट ऑफ रीज़न में मेरा मॉस्फेट ऑफ स्टेट में रहता है और सेचुरेशन रीजन पे मेरा मॉस्फेट ऑन स्टेट पे रहता है, ठीक है। ओमिक रीज़न में मेरा जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं तो मेरा करंट जो आईडी करंट है वो भी इंक्रीज़ करता है, तो इन दोनों के बीच का जो स्लोप होता है वो वन अपॉन आरडीएस है, रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो स्लोप हुआ है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, इसलिए जो मेरा स्लोप का वैल्यू है, देखिए वी और आई के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप बना वो नेगेटिव स्लोप है, इसलिए मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मेरा वन अपॉन रेजिस्टेंस की बने, ठीक है, स्लोप मेरा नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। द पावर मॉस्फेट गोज इनटू ओमिक रीजन व्हेन अ लार्जर पॉजिटिव वोल्ट गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाइड एंड द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज स्मॉल, इन दिस रीज़न द पावर डेसिपेशन इज लो, ठीक है, इस रीज़न में पावर डेसिपेशन लो होता है। इन द सेचुरेशन रीज़न द ड्रेन करेंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, सेचुरेशन रीज़न में जो मेरा ड्रेन करेंट आईडी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वीडीएस से, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द गेट टू सोर्स वोल्टेज, द गेट टू वोल्टेज इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, द ड्रेन करेंट इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज। नोट इन द पावर मॉस्फेट पी चैनल, अगर हम पी चैनल में का बात करेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्किंग जो होगा वो बिल्कुल एन चैनल मॉस्फेट की तरह ही होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा और जो कंडक्शन होगा वो होल्स होगा इंस्पाइक टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतना ही डिफरेंस होगा। नाउ कम टू द स्विचिंग ऑफ पावर मॉस्फेट, द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ ऑफ मॉस्फेट गेट अफेक्टेड बाई इट्स इंटरनल कैपेसिटेंस एंड द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द गेट ड्राइव सर्किट, बट दिज इंटरनल कैपेसिटेंस हैव नो इफेक्ट ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए जो मेरा टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ प्रोसेस होता है मॉस्फेट का वो मेरा कौन अफेक्ट करता है, इंटरनल कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टर्न ऑन प्रोसेस, ये मेरा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉन है, ठीक है, ये मेरा क्या है वीजी गेट वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वीजीएस है गेट टू सोर्स, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, इस बीच में मेरा कैपेसिटेंस है जो वीजीएसटी है, ये मेरा गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, फिर ये वीजीएसपी मेरा क्या है गेट टू सोर्स पिक वोल्टेज, अब वीवन क्या है मेरा पिक वोल्टेज, ठीक है, ये वीवन मेरा पिक वोल्टेज है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है आईडी ड्रेन करंट, ठीक है, तो ये मेरा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्रोन है। अब हम लोग टर्न ऑन प्रोसेस देखते हैं, तो ये मेरा टर्न ऑन प्रोसेस है, ठीक है। द मॉस्फेट कैन बी टर्न ऑन बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव गेट वोल्टेज, जब हम लोग पॉजिटिव गेट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तब मेरा मॉस्फेट टर्न ऑन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाइड किया गया है, ठीक है। व्हेन द गेट वोल्टेज इज अप्लाइड द गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस सीजीएस स्टार्ट चार्जिंग, ठीक है, तो यहाँ मेरा ये जो चार्जिंग कैपेसिटेंस है वो मेरा देखिए यहाँ पे चार्ज करना स्टार्ट करेगा, जैसे पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो चार्ज करना स्टार्ट करेगा, जब जैसे ही ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक चार्ज होगा वीजीएसटी तक चार्ज होगा, ठीक है, तब मेरा ड्रेन करंट वहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे डीले टाइम, ठीक है, इस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग डीले टाइम। When the voltage across VGS reach certain voltage level called threshold voltage VGST is the drain current ID start rising. The time required to charge VGS to threshold voltage is known as turn on delay time. इस time को हम लोग क्या बोलेंगे turn on delay time. ये मेरा turn on delay time है, ठीक है। Thus CGS charge from threshold voltage to full gate voltage VGPA मतलब maximum, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से यहाँ देखिए ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से यहाँ तक जब रीच करेगा तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे
राइज टाइम, ठीक है, राइज टाइम के बाद ये कंटिन्यू फ्लो करता है स्टेडी स्टेट पे, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे ये फ्लो करता है। तो इस प्रोसेस को जो टर्न ऑन टाइम है वो मेरा क्या हो जाएगा, टी ऑन इज इक्वल्स टू टी डी ऑन प्लस टी आर, ठीक है, टर्न ऑन डिले टाइम प्लस राइज टाइम मेरा टर्न ऑन टाइम होगा, ठीक है। द सी जी एस चार्ज फ्रॉम थ्रेशोल्ड वोल्टेज टू फुल गेट वोल्टेज वी जी एस पी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग इज कॉल्ड राइज टाइम, ठीक है, जितना मेरे कैपेसिटर चार्ज होने का टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइज टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ड्रेन करेंट राइजेज टू इट्स फुल वैल्यू, इस पीरियड में जो मेरा ड्रेन करेंट होता है वो फुल वैल्यू तक चला जाता है, ठीक है, फाइनल वैल्यू तक चला जाता है, उसके बाद मेरा ये फ्लो करता है स्टेडी स्टेट में। तो अब हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि जो मेरा मॉस्फेट है वो फुल्ली टर्न ऑन हो गया। तो टर्न ऑन टाइम क्या होता है, टी डी ऑन प्लस टी आर, ठीक है, ये मेरा टर्न ऑन टाइम है। द टर्न ऑन टाइम कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लो इम्पीडेंस गेट ड्राइव सोर्स, अगर हम लोग लो इम्पीडेंस गेट ड्राइव सोर्स अगर अप्लाई करेंगे यूज़ करेंगे तो मेरा जो टर्न ऑन प्रोसेस है वो मेरा रिड्यूज़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्न ऑफ प्रोसेस, टू टर्न ऑफ द मॉस्फेट द गेट वोल्टेज इज मेड नेगेटिव और जीरो, देखिए टर्न ऑन करने के लिए हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए थे, टर्न ऑफ करने हम लोग नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस द गेट टू सोर्स वोल्टेज देन रिड्यूस वी वन टू वी जी पी एस, ठीक है, इस केस में हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ देखें, अगर हम यहाँ से टी वन के बाद मेरा जीरो वोल्टेज अप्लाई हुआ, ठीक है, वी जी मेरा जीरो हो जाएगा, तो इस केस में जो मेरा जो कैपेसिटेंस है सी जी एस वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा, वी वन से जब मेरा वी जी एस पी तक आ जाएगा तो उस उतने टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ डिले टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी डी एफ, ठीक है, टर्न ऑफ डिले टाइम। इससे जब मेरा चार्ज जो होता है कैपेसिटेंस रिड्यूस होता है वी वन से लेके वी जी एस पी तक रिड्यूस होता है तो उस चार्ज रिड्यूस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम, टर्न ऑफ डिले टाइम, ठीक है। फिर फर्दर जब वो रिड्यूस होता है, ठीक है, फर्दर रिड्यूस होके जब वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक मीन्स जो वी जी एस पी से रिड्यूस होके जब वो वी जी एस टी तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक रिड्यूस हो जाए तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल टाइम, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल जब हम लोग बात करेंगे टर्न ऑफ टाइम का तो क्या हो जाएगा, टी डी एफ प्लस टी एफ, ठीक है, मीन्स टर्न ऑफ डिले टाइम प्लस फॉल टाइम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ देखिए टर्न ऑफ प्रोसेस लिखा हुआ है, टू टर्न ऑफ द मॉस्फेट द गेट वोल्टेज इज मेड नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है, ड्यू टू दिस द गेट टू सोर्स वोल्टेज देन रिड्यूस फ्रॉम वी वन टू वी जी एस पी, ठीक है, मीन्स वी वन से जब वी जी एस पी पे जाएगा तो मेरा मॉस्फेट जो है वो टर्न ऑफ होगा। एज मॉस्फेट इज अ मेजोरिटी कैरियर टर्न ऑफ प्रोसेस इज इनिशिएटेड सून आफ्टर रिमूवल ऑफ गेट वोल्टेज एट टाइम टी वन, ठीक है, दैट इज सी जी एस डिस्चार्ज फ्रॉम गेट टू सोर्स वोल्टेज, देखिए जो यहाँ पे मेरा कैपेसिटेंस है गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस वो मेरा वी वन से जब रिड्यूस होकर वी जी एस पी मीन्स पिक वैल्यू तक पहुँचेगा गेट टू सोर्स वोल्टेज का तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ डिले टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ड्रेन करेंट ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, इस केस पे भी जो ड्रेन करेंट होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। द गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस कीप ऑन डिस्चार्जिंग एंड इट्स वोल्टेज बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, जब वी जी एस टी तक आ जाएगा तब मेरा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज वी जी एस फ्रॉम वी जी एस पी टू वी जी एस टी इज कॉल्ड फॉल टाइम। द ड्रेन करेंट बिकम ज़ीरो वैन वी जी एस, जो अगर मान लो ड्रेन करेंट जो होता है वो मेरा अगर गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम आ जाए तो जो ड्रेन करंट होगा वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा और मॉस्फेट फुल्ली मेरा टर्न ऑफ हो जाएगा। तो टोटल टर्न ऑफ टाइम ऑफ मॉस्फेट क्या हो जाएगा, टी ऑफ इज इक्वल्स टू टी डी ऑफ प्लस टी आर, ठीक है, ये मेरा टर्न ऑफ टाइम हो गया। तो ये मेरा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉस्फेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरिट्स डिमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पावर मॉस्फेट, ठीक है। तो मेरिट क्या क्या है, जिसका गेट ड्राइव सर्किट होता है मॉस्फेट का वो सिंपल होता है, ठीक है, इट कैन ऑपरेट एट हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी,
इट हैज़ बेटर थर्मल स्टेबिलिटी बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ मॉस्फेट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। इट इज़ ईजी टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ऑन स्टेट रेजिस्टेंस जो होता है ये लो होता है, सेकेंडरी ब्रेक डाउन इस पर टेक्स प्लेस नहीं होता है, ठीक है। डिमेरिट्स क्या होगा, द ऑन स्टेट वोल्टेज एक्रॉस मॉस्फेट इज़ वेरी हाई, सो द ऑन स्टेट पावर डिसिपेशन इज़ हाई, ठीक है। इस पर एक डिमेरिट है कि जब मेरा ऑन स्टेट रहता है मॉस्फेट, इस पर जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही हाई होता है, जिसके चलते पावर डिसिपेशन भी मेरा हाई हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ असिमेट्रिकल ब्लॉकिंग कैपेसिटी, दे कैन ब्लॉक हाई फॉरवर्ड वोल्टेज बट दे कैन नॉट ब्लॉक हाई रिवर्स वोल्टेज, देयरफॉर वी नीड टू कनेक्ट अ डायोड टू प्रोटेक्ट मॉस्फेट, ठीक है। अगर हम लोग सिंबल देखे थे तो सिंबल में एक मेरा डायोड भी कनेक्टेड था, ठीक है, मॉस्फेट का इस तरह का सिंबल देखे थे हम लोग। ठीक है, इस तरह से सिंबल था, ये गेट था, ये ड्रेन था और ये सोर्स था, ठीक है, ये ड्रेन सोर्स था, तो इसके बीच में एक डायोड कनेक्टेड था। तो ये डायोड क्यों कनेक्टेड था, क्योंकि ये जो मेरा असिमेट्रिकल ब्लॉकिंग कैपेसिटी होता है मेरा मॉस्फेट पे, जो कि मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज को तो ये मेरा ब्लॉक करता है लेकिन रिवर्स वोल्टेज को ये ब्लॉक नहीं करता है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए जो मेरा डायोड होता है वो मेरा मॉस्फेट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पावर मॉस्फेट देखेंगे, कहाँ कहाँ मेरा पावर मॉस्फेट यूज़ होता है, एज अ स्विच, कहाँ UPS में होता है, अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर, मोटर कंट्रोल एप्लीकेशन, डिस्प्ले ड्राइवर एंड रिले ड्राइवर, इन पावर एम्पलीफायर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इस सारे एप्लीकेशंस पे मेरा पावर मॉस्फेट एज अ स्विच यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, एज अ यूज़ होता है, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के कारण मेरा पावर मॉस्फेट इन सारे एप्लीकेशंस पे यूज़ होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट ऑफ पावर मॉस्फेट्स के बारे में, कैसे मेरा पावर मॉस्फेट जो होता है सिर्फ एन माइनस रीजन जो ड्रिफ्ट लेयर होता है उसको ऐड करने से मेरा जो पावर मॉस्फेट का जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है वो मेरा कैसे इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।